भी सबसे आखिर इंतकाल करते हैं, सन 110 हिजरी में इनका इंतकाल। हुजूर का विसाल हुआ सन 11 हिजरी के आगाज पर और इनका विसाल 110 हिजरी में हुआ, तो हुआ हुजूर के विसाल के तकरीबन 100 साल बाद बकायदे हयात किए। हज का मौसम था, हुजूर ने आशिका है तो ये ऊंचे टीके पे खड़े हो गए और कहा, लोगो इस वक्त हुए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा, आप उससे हुजूर की बातें पूछे। लोग हुजूर करके इनके दिल जमा हो गए तो हजरत अबू तुफैल ने कहा कि पूछो क्या पूछते। तो हज के मौसम में जिन्होंने हज की शहादत पाई है वो जानते हैं हर बंदा मसले हज के पूछते, कोई आलमाना मजा कता का शख्स मिल जाए तो लोग मसले हज के पूछने बैठ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली मरतब आप सब लोग तो गए होते हैं और अगर कोई हज साल भी जाए तो मसाइल इतने हैं, ईदैन के मौका पर हर साल ईद का तरीका बताना पड़ता है, इसलिए साल के बाद होने वाली इबादत है। तो हज तो एक लंबा एक नज़म है, तो हर बंदा हज के मसाइल पूछ रहा था, तो एक सिहाबी मिल गया उन्हें हज के मसाइल पूछने के लिए, लेकिन तारीख का जवाब नहीं, किसी ने हज का मसला नहीं पूछा, कहा सिर्फ लगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुजूर को देखा बताओ हुजूर की जुल्फें कैसी थी, हुजूर का चेहरा कैसा। हज़रत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला ने तीन लफ्ज़ों में हुजूर को हुलिया बयान किया, सुनिए अल्लाह अकबर, उन्होंने तीन लफ्ज़ों में हुजूर का नक्शा बयान किया, ये याद कर लीजिए रूह पे लिखी थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यादा मलीहन मुकस्सा का एक तो चिट्टे गोरे रंग के थे, दूसरा मलीहन उनका हुस्न नमकीन और तीसरा मुकस्सा हुजूर मुतवाजन थे, हर मामले में तवाजन, सवा सदर वल बकर पेट और सीना बराबर, लैसा बिकवीद मुमर्रत वला बिकसीद मुतरद, कद ना लंबा और ना पस दरमियाने के मकाम, इसी तरह बाकी आजाद बकरी तवाजुन के साथ हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। तो ये तीन लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद मलीहन मुकस्सा मुख चंद बदर शाह शानी मथे चमक दी ना नौरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर रखी हिन मद भरी सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अरमल का किथे निहल अली किथे तेरी सना मुस्ताख की किथे जा लगी अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम बोले बुलबुल ने गुलगुल को था बुलबुल की मुंतहा परवाज तो ये किसी को भूल गए थे, वो भूल से आगे तो सोच नहीं सकते, उसने भी भूल गए थे, बुलबुल ने गुलगुल को कहा कुमरी ने सर्वे जा फिजा हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुशीद था किस जोर पर क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी, वो कमाल दिया अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा हुस्न दिया। सैयद अबू हुरैरा बोले कल कमर लैलतुल बद्र लम अरा कबलहु वला बादहु मिस्लहु, क्या पूछते हो चौदहवीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर, फिर कहा नहीं 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 हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हसन बिन साबित पास खड़े थे बोले देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देख लिया, खुदा ने सच्चाई पहुंच गया कि वो बिचू मोहम्मद बना दे हसीना जमीना का मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलर कलर ये खाके तराश रहे हैं साहेब, खाके तो खाकियों के होते हैं और जो पैकरे दूर हो उसके खाके कैसे बन जाए, चांद की तरह मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता, थूकने वाले के अपने मुंह पे थूका हुआ गिरेगा उसका अपना मुंह गंदा होगा, मदीने का चांद कल भी रोशन था हिरा का चांद आज भी रोशन और रहेगा यूं ही उनका रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। हुजूर की अजमतों को कोई ना घटा सकता है और ना ये अजमतें कम हो सकती हैं और कायनात के कोने कोने पे मोहम्मद अरबी के झंडे झूलते रहे हैं, शानों को कम कोई कह नहीं सकता। हमारे पंजाबी एक शायर ने कहा जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे किड़ा जमे उस नु बंद करे, इस जिक्र का हाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे करते हैं, हम जिए भी हुजूर के लिए
हम मरे भी हुजूर के लिए, हुजूर का नाम हमारे लिए सरमाया हयात है, करारे जान है, तस्कीन बातों में खुद गाना लगा देता हूँ। ये आपका नारे का जोर है तो कड़कती बिजलियों के माहौल में मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके लहजों को और तनतनाता करे, और अल्लाह हमारी मुश्किल ख्वाब को हुजूर के राहों में कुर्बान होने की तौफीक दे। हम आए दुनिया में हुजूर के लिए हैं, उठेंगे भी हुजूर के लिए। ये सब कुछ हुजूर का है, हम होते कौन हैं? ये सब कुछ हुजूर के नाम के। मौलाना ज़फर अली खान ने कहा, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तो नहीं, सब कुछ हो ही हुजूर, हम हैं कौन? अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।